तत्काल हाथ जोड़ के श्याम से बोली है ब्रजवाल की बहुत दिना से श्याम ये और लागी मोको आस किसी दिना मेरे साथ में मिलके करो महाराज। बंधुओं जिस समय सभी लड़कियों ने ये कहा है कि प्रभु हमारे साथ में मिल करके महाराज करो तो भगवान कन्हैया ने सखियों को जवाब दिया कि सखियों मेरी बात सुनो। और क्या बोले हैं भगवान कन्हैया कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा सुंदर ने जब ये सखियों की बात सुनी है सखियों ने जवाब दिया कि भगवान श्याम आप हमारे साथ में किसी दिन मिल करके महाराज करो। बंधुओं भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि सखियों तुम चिंता मत करो वो समय जरूर आएगा और मैं तुम्हारे साथ में महाराज खेलूंगा। बंधुओं इतना कह करके गोपियां वहां से चली गई हैं। भगवान कन्हैया ने योग माया को बुलाया और जवाब दिया कि योग माया यमुना के किनारे जा करके बड़ी ही सुंदर जगह बनाओ। और बंधुओं हुआ क्या है ये
जैसे ही योग माया ने इतना सुना है कि भगवान कन्हैया ने मुझे आदेश दिया कि यमुना के पास में जा करके मुझे सुंदर सी जगह बनानी है, तो क्या हुआ है बंधुओं कि यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाऊंगी, करिए काम श्याम पास लौट आऊंगी, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाऊंगी, करिए काम पास लौट श्याम आऊंगी, सखियों के साथ भी खेलेगा श्याम चाहे होए बदना। और क्या हुआ बंधुओं, सुनिए ऐसी बात, माया यमुना पे धाई है, बड़ी रमणी की जगह सुंदर सी बनाई है, सुनिए ऐसी बात, माया यमुना पे धाई है, बड़ी रमणी की जगह सुंदर सी बनाई है, सच्ची मन में बात करूं शाम का ये काम चाहे हो बदना। भगवान श्याम के वचन सुनने के बाद में आज योग माया वहां से चली है और यमुना किनारे जा करके आज योग माया बंधुओं यमुना के किनारे पास में जा करके बड़ी ही सुंदर सी जगह बनाई है और लौट करके भगवान कन्हैया के पास आई है और जवाब दिया है, प्रभु आप जगह देख लीजिए चल करके। भगवान कन्हैया जगह देखने के लिए गए हैं तो क्या हुआ कि देखी जगह को श्याम की दिल हर्षायो है, बंसी बालो श्याम घूम के आयो है, दिल हर जायो है, वंश वालो श्याम घूम के आयो है, क्या देखा भगवान कन्हैया ने, जहां वृक्ष खड़े अति सुंदर आई महक फूल के अंदर, रूप बनायो है, बंस वालो श्याम घूम के आयो है, और बंधुओं भगवान कन्हैया ने यमुना के पास में जा करके क्या किया, लई बंसी अब हाथन में दीनी जब श्याम बजाई, वह प्यारी धुन मुरली की सखियन ने जब सुन पाई, सुन पाई कि घूम के आयो है, वंश वालो श्याम घूम के आयो है, याद रखना बंधुओं आज भगवान कन्हैया ने योग माया की बनाई हुई जगह को देखा, भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे और जवाब दिया है, योग माया तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया, और आज भगवान कन्हैया ने अपने हाथों में मुरली ली और बजाने लगे हैं। तो बंधुओं जैसे ही सखियों ने मुरली की आवाज सुनी है तो क्या हुआ है कि कैसी बजाई गई बांसुरी, आ रे श्याम कैसी बजाई,
कभी मुरली की आवाज सुनी है तो क्या दशा हो गई है। किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के दांत में सुरमा की लाली आंखिन में, जैसे ही मुरली की आवाज को सुना है बंधुओं जो सखियां श्रृंगार कर रही हैं उल्टा सीधा सारी सखियां, किसी ने कुंडल नाक में पहन लिए हैं और जो नाक में पहनने वाली वाली है बंधुओं वो पाने में लटका ली है। और ऐसा ही नहीं किसी ने क्या किया, काउ ने थोड़ी पे दे दई टुकुलिया बंधुओं। जैसे ही भगवान ने कन्हैया की मुरली को सुना है तो सारी सखियां एकदम से भागने लगी हैं। बंधुओं इधर क्या हुआ, जो जैसे बैठी हती वैसे ही भागने लगी। और क्या हुआ है कि उल्टे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेटली कहने को, बहुत तेरा रोका पतियों ने तैयार न भाईगे रहने को, बंधुओं आज सारी सखियां भागने लगी हैं। जब बात किया है पतियों ने कहां जा रही हो, लेकिन पतियों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सब लोग जा रहे हैं और बेचारे पति अब खड़े हैं देखते, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। भगवान कन्हैया के पास जब सारी गोपियां गई हैं तो बंधुओं भगवान कन्हैया नजर नहीं आए सखियों को। तो एक सखी ने जवाब दिया कि बहन देख ले कि भगवान कन्हैया कहाँ चले गए, हमारे साथ महाराज नहीं खेलेंगे। और हुआ क्या है, क्या बोली है कि बहना सुन, कि देखी ले बहना कहाँ है गिरधारी, देखी ले बहना
को देख करके, अरे तुम हो चलिया कृष्ण कन्हैया मेरी नींद बिसारी, रामा मेरी नींद बिसारी। तुम हो चलिया कृष्ण कन्हैया मेरी नींद बिसारी, रामा मेरी नींद बिसारी। और आरजू दुखाई करके मुझको तेरे संग में यारी, देखिले बहन कहाँ की रातारी, देखिले बहन। याद रखना मेरी माताओं, आज जैसे ही सखियों ने देखा है भगवान कन्हैया को और जवाब दिया बड़े छलिया हो श्याम, हमारे साथ में महाराज करो। भगवान कन्हैया कहने लगे, सखियों हम तुम्हारे साथ में महाराज नहीं करेंगे, अब तुम अपने घर को लौट जाओ। बंधुओं, सखियों ने जवाब दिया, कन्हैया अब चाहे तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, आपको हमारे साथ में महाराज खेलना ही पड़ेगा। बंधुओं, और क्या जवाब दिया है सखियों ने कि सुनो श्याम, कि छल में ना आओगे।